हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में अपना जो क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर था उसकी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे, और आज की वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, और जितने हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो दिसंबर 2014 में आया था। सपोज द हैमिल्टनियन ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम इन क्लासिकल मैकेनिक्स इज एच इज इक्वल टू ओमेगा एक्स पी, वेयर ओमेगा इज ए कॉन्स्टेंट एंड एक्स एंड पी आर द पोजिशन एंड मोमेंटम रिस्पेक्टिवली। द कोरेस्पोंडिंग हैमिल्टनियन इन क्वांटम मैकेनिक्स इन द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन इज, हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टनियन गिवन है और क्वांटम मैकेनिक्स में पूछा गया है इन द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। तो आपको पता है कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में जो अपना कोऑर्डिनेट है उसको तो हम एक्स कैप से ही लिखेंगे, लेकिन जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसको हम लिखते हैं माइनस आल्टा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसको हम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हैमिल्टनियन है अपना वो क्या है, एच इज इक्वल टू ओमेगा एक्स पी। और अपने पूछा क्या गया है, अपने से पूछा क्या गया है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हैमिल्टनियन क्या आएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हैमिल्टनियन क्या होगा वो हमें बताना है। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो अपना कोऑर्डिनेट और मोमेंटम रहता है उसकी जो कम्यूटेशन की वैल्यू आती है वो ज़ीरो आती है। मतलब हम कैसे लिख सकते हैं कि जो एक्स पी होता है ना वो पी एक्स के इक्वल होता है। अगर हम ऐसे लिखें कि एक्स प्लस पी इंटू में एक्स प्लस पी या फिर एक्स प्लस पी का स्क्वायर, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू एक्स पी। ठीक है, या फिर टू पी एक्स ऐसे हम लिखेंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एक्स पी प्लस पी एक्स ऐसे हम लिखेंगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में अपना कोऑर्डिनेट और मोमेंटम जो ऑपरेटर रहते हैं वो कम्यूट नहीं करते, उनके जो कम्यूटेशन की वैल्यू आती है वो अल्टा एच क्रॉस आती है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में हैमिल्टनियन, एच कैप इज इक्वल टू ओमेगा एक्स कैप पी कैप प्लस पी कैप एक्स कैप डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अगर हमें ये वैल्यू गिवन है तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो अगर एक्स पी हमें गिवन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टू करके लिखेंगे। तो हैमिल्टनियन की वैल्यू ये आ जाएगी, लेकिन पूछा किस में है, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में। तो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में पी की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे। तो हमें ये पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोऑर्डिनेट और मोमेंटम के कम्यूटेशन की वैल्यू कितनी आती है, आल्टा एच क्रॉस। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स पी माइनस पी एक्स ऑपरेटर की फॉर्म में है इज इक्वल टू क्या है, आल्टा एच क्रॉस। तो पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर पी एक्स को हम उधर लेके जाएँ और आल्टा एच क्रॉस को इस साइड में लेके आएँ, तो एक्स की एक्स पी माइनस में आल्टा एच क्रॉस ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो हैमिल्टनियन हम कैसे लिखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, ओमेगा इंटू में यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स कैप पी कैप माइनस आल्टा एच क्रॉस और डिवाइडेड बाई क्या है, टू। ठीक है, तो अब पी कैप की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ओमेगा बाई टू टू एक्स कैप माइनस आल्टा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स माइनस आल्टा एच क्रॉस। तो अब दोनों टर्म में से माइनस आल्टा एच क्रॉस अपना कॉमन आ रहा है, तो माइनस आल्टा एच क्रॉस ओमेगा, और टू को अगर हम इनसाइड लेके जाएं तो क्या आएगा, टू से टू कैंसिल होगा, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स माइनस, अब माइनस भी अगर हमने बाहर ले लिया दोनों से, माइनस आल्टा एच क्रॉस क्योंकि बाहर लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और टू को अगर हम इनसाइड लेके जा रहे हैं तो क्या बचा है, वन बाई टू। तो जो ये वाला ऑप्शन जो मैच होता है अपना, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2014 में आया था। लेट साई वन एंड साई टू डिनोट द नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट
ऑफ ए पार्टिकल विद एनर्जी आइगन वैल्यू E1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली, विद E2 क्या है ग्रेटर है E1 से. एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो द पार्टिकल इज प्रिपेयर्ड इन द स्टेट ऑफ साई t इज इक्वल टू जीरो, और वो स्टेट क्या है 1/√2 ψ1 ψ2. तो द शॉर्टेस्ट टाइम टी एट विच साइड टी इज इक्वल टू टी विल बी ऑर्थोगोनल टू साइड टी इज इक्वल टू जीरो इज. तो शॉर्टेस्ट टाइम हमें बताना है और हमें साइड टी इज इक्वल टू जीरो पे गिवन है. तो साइड टी कंडीशन क्या है कि साइड टी इज इक्वल टू कैपिटल टी और साई ऑफ जीरो टी इज इक्वल टू जीरो क्या होंगे ऑर्थोगोनल होंगे. तो उसके लिए जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा वो हमें बताना है. तो एज इट इज़ बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, या फिर मैं बोलूँ चैप्टर 2 पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें हम ये क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, और इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. और क्वेश्चन नंबर कितना था उसमें जब हमने सोल्व किया तो क्वेश्चन नंबर 2 है. 2nd क्वेश्चन आप विजिट कर सकते हो इस वीडियो का, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2015 में आया, ए हर्मिशियन ऑपरेटर ओ कैप. और हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं जिनके लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है ना, या फिर हम बोलें आइगन वैल्यू होती है ना हर्मिशियन ऑपरेटर की, वो रियल होती है. ठीक है, मतलब जो ऑपरेटर है आपने ऑब्जर्वेबल हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको हम हर्मिशियन ऑपरेटर बोलते हैं. हैज ए नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट 1 and 2 विद आइगन वैल्यू क्या है 1 and 2 रेस्पेक्टिवली. द टू स्टेट्स u and v ठीक है आर सच दैट कि v पे अगर हम हर्मिशियन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं v के लिए तो वो कितनी आती है 7/4. और u और v जो है वो ऑर्थोगोनल है. तो विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा एंड फाई. तो जो गिवन है हमें उसी को हमने सोल्व करना है. तो यहाँ पे गिवन क्या है यू और वी गिवन है. सबसे पहले तो ये देखो कि हर्मिशियन ऑपरेटर है और नॉर्मलाइज आइगन स्टेट है जो वन है, वन और टू है वो नॉर्मलाइज आइगन स्टेट है. ठीक है, और हमें पता है डिफरेंट आइगन स्टेट के लिए जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आती है जीरो. तो डिफरेंट स्टेट जो होती हैं वो आपस में क्या होते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं. ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि ऑपरेटर जो है अगर वन स्टेट पे अप्लाई करता है तो एनर्जी आइगन वैल्यू 1 देता है, अगर वो सेकेंड स्टेट पे हम उसको अप्लाई करते हैं तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आती है 2 आती है. ठीक है, और 2 स्टेट हमें गिवन है यू. यू क्या है कोस थीटा 1 + sin θ 2. ठीक है, और वी हमें क्या गिवन है cos φ 1 + sin φ 2. ये वैल्यू हमें गिवन है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये वी ओ कैप वी, ये जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी गिवन है 7/4. तो अगर v को हम लिखें ब्रा नोटेशन में तो कैसे लिखेंगे, cos φ अपना रियल होता है तो सेम रहेगा और ये चेंज हो जाएगा ब्रा में. ठीक है, प्लस साइन फाई क्या आएगा 2 आ जाएगा. अब ओ ऑपरेटर हम लगा रहे हैं वी पे, तो इस पे अगर हम ओ ऑपरेटर लगाएं तो 1 के लिए वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी. तो कोस फाई 1 हम लिखेंगे. ठीक है, प्लस 2 के लिए जो ऑपरेटर है हमारा ओ ऑपरेटर 2 के लिए क्या वैल्यू देता है 2. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 2 sin φ, और जो आइगन स्टेट है हमारी वो एज इट इज़. ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई हम करें तो आपको पता है 1 की 2 के साथ या फिर 2 की 1 के साथ क्या आती है 0 आती है, और 1 की 1 के साथ हमें नॉर्मलाइज स्टेट क्योंकि गिवन है तो कितनी है 1. तो cos स्क्वायर फाई प्लस 2 sin² φ, और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 7/4. तो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई कितना होता है 1. तो 1 + sin² φ ऐसे हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या होगा 7/4. तो sin स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/4 - 1 तो 3/4. तो sin फाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है √3/2. तो फाई की किस वैल्यू के लिए sin जो है वो √3/2 वैल्यू देता है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी π/3. ठीक है, तो फाई की वैल्यू है अपनी π/3. तो ए और बी ऑप्शन अपने करेक्ट हो सकते हैं, ये तो क्या हो गए इनकरेक्ट हो गए.
तो हमें थीटा की वैल्यू और देखनी है। तो थीटा की वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि यू और वी जो हैं वो हमें क्या गिवन है, ऑर्थोगोनल गिवन है। तो ब्रा नोटेशन हम लिखते हैं यू की, तो कैसे लिखेंगे, कोस थीटा वन प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, और वी के लिए हम क्या लिखेंगे, कोस फाई वन प्लस साइन फाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और वो वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ज़ीरो गिवन है। तो ये आपको पता है फॉर्मूला किसका होता है, कोस थीटा माइनस फाई का। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस फाई माइनस थीटा, क्योंकि जो कोस फंक्शन है वो इवन फंक्शन होता है, तो वो किसके इक्वल है, ज़ीरो। और यहाँ से भी हम क्या लिखेंगे कि ये ज़ीरो के इक्वल है। तो हम देखेंगे कि कौन से वाले से जो अपना ऑप्शंस है वो मैच हो रहे हैं। तो कोस थीटा माइनस फाई से कोस ज़ीरो किस वैल्यू के लिए होता है, जब थीटा माइनस फाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, पाई बाई टू लेंगे। ठीक है, तो हमें फाई की वैल्यू पता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, पाई बाई टू माइनस 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 प्लस होगा तो कितनी होगी, पाई बाई थ्री। तो जो ये वैल्यू आ रही है अपनी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रही है, और ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट गिवन है या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है। तो अगर ये वैल्यू हम कंसिडर करें तो फाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई टू, तो वैल्यू अपनी क्या आएगी, माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है, थीटा जो है वो माइनस पाई बाई सिक्स है, और फाई की वैल्यू क्या है, पाई बाई थ्री। तो जो ए ऑप्शन होगा अपना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो जून 2016 में आया था, द आइगन स्टेट कोरेस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यूज ए वन एंड ए टू ऑफ ए टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टनियन आर वन एंड टू रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि वन और टू जो आइगन स्टेट हैं उनके कोरेस्पोंडिंग अगर हैमिल्टनियन हम अप्लाई करते हैं तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आती है, ई वन एंड ए टू। ठीक है, इफ़ एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो द सिस्टम इज इन ए स्टेट, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे हमें गिवन है वेव फंक्शन, तो द वैल्यू ऑफ साइड टी और साइड टी, साइड टी की जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है वो हमें बतानी है कि एट टाइम टी वो कितनी आएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करता है या इनमें से कोई वैल्यू आती है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे साई टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे गिवन है, और हमें क्या गिवन है कि अगर हैमिल्टनियन हम वन पे लगाते हैं, वन स्टेट पे, तो एनर्जी आइगन वैल्यू हमें क्या मिलती है, ई वन। ठीक है, और अगर हम टू पे अप्लाई करते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर तो एनर्जी आइगन वैल्यू हमें क्या मिलती है, ई टू मिलती है। ठीक है, ये हमें गिवन है, और एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे साई टी इज इक्वल टू ज़ीरो हमें गिवन है। तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन में साई टी फाइंड आउट किया था कि अगर किसी टाइम टी के बाद पूछा गया हो वेव फंक्शन तो हम कैसे लिखेंगे। तो अगर टी इज इक्वल टू टी के लिए हम बात करें तो साई टी कितना आ जाएगा अपना, कैसे हम लिखते हैं, साइन थीटा तो अपना है ही, वन के लिए जो एनर्जी आइगन स्टेट है अपनी वो कितनी है, ई वन। तो e रेज टू पावर आयोटा ई वन इंटू में टी डिवाइडेड बाई एच क्रॉस, इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वन स्टेट अपनी एज इट इज़ प्लस कोस थीटा, और टू के लिए जो एनर्जी आइगन स्टेट है अपनी वो कितनी है, ई टू है एनर्जी आइगन वैल्यू। तो e रेज टू पावर आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस और टू स्टेट एज इट इज़। तो ऐसे हम साई टी को लिखेंगे। अब हमें क्या बताना है कि साई ऑफ टी का जो ब्रा नोटेशन है, और अगर हम कैट नोटेशन से उसकी मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू अपनी क्या आएगी। तो अगर इसको हम ब्रा नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखते हैं, साई स्टार टी हम लिखेंगे। ठीक है, ब्रा नोटेशन की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज करेंगे, तो ब्रा नोटेशन क्या आ जाएगी साई टी की, साइन थीटा तो अपना रियल है, यहाँ पे आयोटा गिवन है तो हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा करेंगे, ईवन टी अपॉन एच क्रॉस, और वन अपना किस में चेंज हो जाएगा, ब्रा नोटेशन में, प्लस कोस थीटा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ई टू टी अपॉन एच क्रॉस, और जो स्टेट है वो हमारी ब्रा में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो साई टी और साई टी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ अगर हम करते हैं
तो ये वन की वन के साथ ही होगी, और वन की अगर हम टू के साथ देखें तो हम क्या कहते हैं कि ज़ीरो होती है। ये बहुत जगह हम यूज करते हैं। ये ज़ीरो क्यों होती है, आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा, जब हम हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ते हैं, कोई भी हर्मिशियन ऑपरेटर, चाहे हैमिल्टनियन हो चाहे कोई ऑपरेटर हमें गिवन हो, उसके केस में जो आइगन स्टेट होती है ना, वन और टू, वो ऑर्थोगोनल होती हैं आपस में। आपने मैट्रिक्स में भी ये पढ़ा होगा कि वो ऑर्थोगोनल होती हैं, और ये वन और वन जो होंगी वैल्यू नॉर्मलाइज होंगी या नहीं वो हमें गिवन होंगी, लेकिन वो ऑर्थोगोनल होती हैं। तो वन और टू या फिर टू और वन की जो मल्टीप्लिकेशन होगी ना, वो ज़ीरो ही होगी। ठीक है, तो वन की वन के साथ हम करेंगे तो साइन थीटा अपना है इधर, और साइन थीटा इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और अगर इसकी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर जीरो, और वो कितना होगा, वन। अब दूसरी स्टेट के लिए क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन। तो जो ऑप्शन ए होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर द टू लोवेस्ट नॉर्मलाइज्ड एनर्जी आइगन फंक्शन साइनोट एक्स एंड साइवन एक्स ऑफ वन डी सिस्टम, दे सेटिस्फाई साइनोट एक्स इज इक्वल टू साइनोट स्टार एक्स, मतलब जो साइनोट एक्स है वो रियल वेव फंक्शन है, एंड साइवन एक्स इज इक्वल टू अल्फा डी साइनोट बाई डी एक्स, जहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है, रियल कॉन्स्टेंट है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें बतानी है मोमेंटम ऑपरेटर की इन द स्टेट ऑफ साइवन। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम ऑपरेटर की इन द स्टेट ऑफ साइवन हम कैसे लिखेंगे, पी जो एक्सपेक्टेशन होगी उसको हम लिखेंगे साइवन पी कैप साइवन डिवाइडेड बाई साइवन साइवन, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, या फिर हम कैसे लिखते हैं कि ऑल स्पेस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइवन स्टार पी कैप साइवन डी टाउ डिवाइडेड बाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइवन स्टार साइवन डी टाउ। ठीक है, ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा क्या है कि हमें क्या गिवन है कि साइनोट जो है वो क्या है, रियल वेव फंक्शन है, और जो साइवन है हमारा वो हमें क्या गिवन है कि अल्फा डी साइनोट बाई डी एक्स। तो ये भी अपना क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि साइनोट हमारा क्या है, रियल वेव फंक्शन, और अल्फा हमें क्या गिवन है, रियल कॉन्स्टेंट गिवन है। तो साइवन अपना यहाँ से क्या आ रहा है, रियल वेव फंक्शन आ रहा है, और हमने बताया था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर रियल वेव फंक्शन के केस में कितनी आती है, ज़ीरो। तो जो बी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप मेथड के साथ भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो मेथड से अगर हम इसको सोल्व करें तो पी एक्सपेक्टेशन को हम कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइवन स्टार की वैल्यू हम लिखेंगे, और ये क्योंकि रियल वेव फंक्शन हमें गिवन है तो यही वैल्यू आएगी डी साइनोट बाई डी एक्स, और पी कैप की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस आल्टा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, और साइवन की वैल्यू क्या है, अल्फा डी साइनोट बाई डी एक्स। अब क्योंकि वेव फंक्शन हमें किस में गिवन है, वन डी सिस्टम में, तो डी टाउ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, और जो वेव फंक्शन है हमारे, जो आइगन फंक्शन है वो क्या है, नॉर्मलाइज है, तो ये वाली टर्म हमें क्या देगी, वन वैल्यू देगी, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर हम करें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अल्फ़ा स्क्वायर अपना बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस आयटा एच क्रॉस भी अपना बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, डी साइनोट बाई डी एक्स इंटू में क्या आएगा, डी स्क्वायर साइनोट बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है, डी एक्स। तो अगर इसको हम फर्स्ट फंक्शन माने और इसको सेकेंड माने और हम इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस आयटा एच क्रॉस अल्फा स्क्वायर तो अपना बाहर है ही, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा एज इट इज़। ठीक है, और सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डी साइनोट बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, लिमिट हम पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस साइन आता है, फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, डी स्क्वायर साइनोट बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, और फर्स्ट सेकेंड का क्या है, इंटीग्रेशन, तो इंटू में डी साइनोट बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये दोनों रियल वेव फंक्शन हमें गिवन है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये अपना भार है ही। ठीक है, तो ये वैल्यू हम देखें तो ये हमें किसकी मिल रही है, पी कैप की। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस आल्टा एच क्रॉस, इधर तो अपना पी एक्सपेक्टेशन है ही। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर को अगर हम इनसाइड लें तो ये क्या हमें देगा, साइवन इंटू में साइवन। ठीक है, और उसकी लिमिट की क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी,
और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, अगर ये हम इनसाइड लेते हैं तो माइनस क्या हमें मिलेगा, पी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो पी एक्सपेक्टेशन को हम इधर ले आएंगे तो टू पी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयटा एच क्रॉस। और आपको पता है जो वेव फंक्शन होता है वो प्लस माइनस, अगर हम एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन वही होता है जो अपना साई किसको अप्रोच करे, जीरो को। तो ये जो वैल्यू है अपनी वो क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2019 में आया है, और इससे पहले भी जितने एग्जाम हुए उनमें भी लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वो क्या करते हैं अदर टॉपिक्स को भी साथ में मिक्स कर देते हैं, कि मान लो वो एनर्जी आइगन वैल्यू देने की बजाय अब इस टॉपिक से रिलेटेड तो क्या है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना, वेरियंस फाइंड आउट करना, तो अदर क्वेश्चन जो होंगे उनमें भी सेम एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करनी होगी। लेकिन यहाँ पे तो हैमिल्टनियन की एनर्जी आइगन वैल्यू कई बार गिवन होती है कि E1 है, E2 है, या फिर 1 और 2 है, और उसमें क्या होता है गिवन नहीं होता, लेकिन टॉपिक का नाम आपको गिवन होगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमें फाइंड आउट करना है, या फिर 1D 2D पोटेंशियल के लिए फाइंड आउट करना है, तो आपको उनकी एनर्जी आइगन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो वाले क्वेश्चन हम जो अदर टॉपिक्स करेंगे उनमें कंसिडर करके चलेंगे। तो 2019 का आपका क्वेश्चन है कि लेट द नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टनियन बी Ψ1, Ψ2 और Ψ3। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है हमें और वेरिएंस बताना है हैमिल्टनियन का इन द स्टेट साई, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हम लिखें हैमिल्टनियन की तो हम कैसे लिखेंगे, Ψ1 स्टेट के लिए तो Ψ Hψ डिवाइडेड बाई Ψ, ठीक है। और अगर साई जो है अपना नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो ये वैल्यू अपनी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी हैमिल्टनियन के लिए उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें हैमिल्टनियन गिवन है, तो इस हैमिल्टनियन से हम एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैट्रिक्स का यूज करके हम कैसे एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि h माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हम रखेंगे, 0 के इक्वल। और वहाँ से जो Ψ1, Ψ2, Ψ3 मिलेंगे हमें, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो 3×3 की गिवन है, तो 3 वैल्यू मिलेंगे लेमडा की, वो अपनी क्या हो जाएंगी, एनर्जी आइगन वैल्यू E1, E2 और E3। वो किस वेव फंक्शन के कोरस्पोंड है, Ψ1, Ψ2 और Ψ3 के कोरस्पोंड है। तो अब हमें क्या मिल गया, Ψ1, Ψ2, Ψ3 तो हमें पता है साई में गिवन है, और E1, E2, E3 हमने फाइंड आउट कर लिया। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि अगर हम Ψ1 पे अप्लाई करेंगे, इसको साई पे हमने अप्लाई करना है, तो Ψ1 पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, E1 मिल जाएगी, जो हम इससे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो h माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख के आइगन वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2 λ 1 0 1 2 λ 0 0 0 2, और इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टनियन फाइंड आउट करनी है, और जब हैमिल्टनियन को हम साई पे अप्लाई करेंगे तो Ψ1 के लिए हमें एनर्जी आइगन वैल्यू पता होनी चाहिए, और Ψ2 के लिए भी एनर्जी आइगन वैल्यू पता होनी चाहिए, और Ψ3 के लिए भी पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो हमें गिवन नहीं है, जो हैमिल्टनियन है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म से आइगन वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं, तो 2 λ कॉमन हम लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 λ का स्क्वायर, और ये क्या होगा, 0, ठीक है, -1, तो क्या आएगा, 2 λ, और वो किसके इक्वल हमें गिवन है, 0 के। तो पूरी की पूरी टर्म में से 2 λ हमें कॉमन दिख रहा है, तो 2 λ का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की एक वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² - b², तो 2 λ - 1 एंड 2 λ + 1, और वो किसके इक्वल है, 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1, और यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3।
तो हम मान लेते हैं कि अगर जो हैमिल्टनियन हम अप्लाई कर रहे हैं साई वन पे, और साई वन को अगर हम मान के चलें कि ये जो है अपनी ग्राउंड स्टेट है, तो उसके लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, तो वो क्या आ जाएगी, इसको हमने नाम दे दिया E1 का, जो सबसे कम है वैल्यू जिसकी, तो वो क्या आएगा, 1 इंटू में साई वन। अगर हम H को साई टू पे अप्लाई करते हैं, तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर हम इसको माने, तो सेकेंड लोवेस्ट आइगन वैल्यू क्या है, 2, तो 2 इंटू में साई टू हम लिख देंगे, ठीक है। और साई थ्री के लिए क्या लिखेंगे, 3 इंटू में साई थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू हमें पता चल गई। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी की बात हम करें तो हम ऐसे लिखते हैं कि समेशन आई ई आई, क्योंकि हैमिल्टनियन के लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी वो क्या, किस फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ई आई के फॉर्म में लिख रहे हैं, ई वन ई टू ई थ्री, ठीक है, इंटू में पी ऑफ ई आई डिवाइडेड बाई समेशन आई पी ऑफ ई आई, ठीक है। तो यहाँ पे ई आई जो साई वन के लिए है वो अपना क्या है, ई वन है, तो ई वन कितना है, 1, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो साई वन की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, जो उसका कोफिशियंट होगा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर, और उसका मोड हम लेंगे, तो वैल्यू कितनी आ रही है, इंटू में 1/3 प्लस, अगर 2 की हम बात करें ई टू की, तो ई टू के लिए क्या है, 2, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है साई टू की, यही कोफिशियंट है, तो कितना आएगा, 1/3 प्लस साई थ्री के लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो कितनी है, E3 है, ठीक है, E3 जो है वो 3 है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब आइटा स्क्वायर -1 देगा, लेकिन उसका मोड क्या होगा, 1, और कोफिशियंट अपना ये है ही, तो क्या आ जाएगा, इंटू में 1/3 डिवाइडेड बाई पी ओ फी आई जितने भी हैं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये तो हमें क्या देगा, 1 देगा, और ऊपर से क्या वैल्यू हमें मिल रही है, 1/3 प्लस 2/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो कितना, प्लस 1, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टनियन की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो यहाँ से बी और ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू 2 हमें डी और सी ऑप्शन में दिख रही है। तो अब हमें वेरियंस फाइंड आउट करना है, और वेरियंस हम कैसे लिखते हैं, वेरियंस अगर हम लिखें डेल्टा एच से हम लिखते हैं वेरियंस, डेल्टा एच के स्क्वायर से लिखते हैं, ठीक है। वेरियंस को हम क्या बोलते हैं, जो मीन स्क्वायर डेविएशन होता है ना, उसी को हम वेरियंस बोलते हैं। तो मीन स्क्वायर डेविएशन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एच एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। तो एच एक्सपेक्टेशन तो हमने निकाल लिया 2, तो यहाँ से हमें एच स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन और फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, समेशन आई ई आई स्क्वायर और पी ऑफ ई आई डिवाइडेड बाई समेशन पी आई की वैल्यू तो अपनी क्या है, 1 ही है। तो ई आई का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू में पी ऑफ ई आई वही होगा 1/3, ठीक है, प्लस ई आई स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 होगा इंटू में क्या आएगा, 1/3 प्लस यहाँ पे E3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू में 1/3। तो वैल्यू अपनी क्या आ रही है यहाँ से, 1 प्लस 4 5 प्लस 9 क्या होगा, 14 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो वेरिएंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/3 माइनस एच एक्सपेक्टेशन का क्या है, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ रही है 2/3। तो जो सी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। तो आप इसको वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, एच का एक्सपेक्टेशन जो हमने फॉर्मूला बताया है, एच एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू क्या होगा, साई एच हैमिल्टनियन साई, और साई ऑफ साई जो होगा वो तो हमें 1 वैल्यू ही देगा। आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, ये हमें 1 वैल्यू देगा, क्योंकि तीनों का जो कोफिशियंट है वो अपना कितना है, 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हम करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे, तो उससे भी रिजल्ट अपना कितना आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो जो वेव फंक्शन पे जनरल क्वेश्चंस थे वो हमने सारे सोल्व कर लिए हैं। वैसे तो वेव फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन वो अदर टॉपिक्स का यूज करके भी हैं, तो अदर टॉपिक्स के साथ हम उनको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।